दोस्तों आज हम एक ऐसे जिले के सफर पे जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती की गुण पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई देता है। एक ऐसा जिला है जो अपने आप में ही एक खूबसूरत जिला कहलाता है। एक ऐसा जिला है जिसकी पहचान है वहाँ के आदिवासी। एक ऐसा जिला है जो कभी एक रियासत हुआ करता था। एक ऐसा जिला है जहाँ पर ऋषियों का आश्रम हुआ करता था और ऋषि ही वहाँ की पहचान थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत जिला उत्तर बस्तर यानी कि कांकेर जिले के बारे में। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना ताकि आप इस खूबसूरत जिले की कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप आसानी से जान पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए फिर चलते हैं दोस्तों कांकेर की शानदार सफर पे। कांकेर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है जो अपने कई मूल्यवान संसाधन और अपने धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण लगभग पूरे भारत में जाना जाता है। वहीं कांकेर जिले को 25 मई सन 1998 में बस्तर जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था जिसे 1005 गांव, 370 ग्राम पंचायत, 8 ब्लॉक और 8 तहसीलों में बांटा गया है। वहीं तहसीलों में नरहरपुर तहसील, चरामा तहसील, अंतागढ़ तहसील, कांकेर तहसील, कोयलीबेड़ा कंखजूर तहसील, भानु प्रतापपुर तहसील, दुर्गु कोंदल तहसील और सरोना तहसील शामिल है। इसके अलावा कांकेर जिला मोहलामानपुर, धमतरी, कोंडागांव, बालोद, नारायणपुर और महाराष्ट्र के जिले से घिरा हुआ है। वहीं कांकेर जिले में स्थित है गड़िया पर्वत जो कांकेर जिले की सबसे ऊंची पर्वत है और इसी पर्वत पर दो खूबसूरत तालाब, माँ शीतला मंदिर और चुरी पगार नामक गुफा स्थित है। इतना ही नहीं दोस्तों, कांकेर जिले में स्थित शिवानी माता मंदिर भारत का दूसरा एकमात्र शिवानी माता मंदिर है जो कोलकाता के बाद सिर्फ कांकेर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा कांकेर जिले की सिंगारभाट ग्राम में स्थित जंगलवार फायर ट्रेनिंग सेंटर भारत का दूसरा ट्रेनिंग स्कूल है जो यहाँ पर नक्सलवाद की बढ़ती संख्या को देखते हुए खोला गया है। वहीं कांकेर जिले की पुष्प वैली खुरशेल को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के फूल और सैगौन के पेड़ देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में कांकेर ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर एलियन के साक्ष्य मिले हैं जिसे दुनिया में दूसरी प्रमाण माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कांकेर जिले में स्थित पंखजूर को छोटा बांग्लादेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में बांग्लादेशी शरणार्थी रहते हैं। वहीं कांकेर जिले को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है क्योंकि कांकेर जिला पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के सभी पहाड़ियाँ अपने कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कांकेर जिले को आदिवासियों का आशियाना भी कहा जाता है क्योंकि जिले की 60% आबादी आदिवासी है और यहाँ के आदिवासी कांकेर जिले की मुख्य पहचान भी है। वहीं कांकेर जिले के औद्योगिक विकास केंद्र लखनपुरी को कहा जाता है और कांकेर जिले की सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोटी टोला और मुड़पार को कहा जाता है। इसके अलावा कांकेर जिले की सबसे प्रसिद्ध लोक महोत्सव गड़िया महोत्सव है। वहीं कांकेर जिले को ऋषियों का आशियाना भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कांक, लोमेश, श्रृंगी और अंगिरा जैसे कई ऋषियाँ रहा करते थे और इसी में से कांक ऋषि की आधार पर ही कांकेर जिले का नाम कांकेर पड़ा था। इसके अलावा कांकेर जिला अपने कलाकृतियों के लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता है जहाँ पर बांस और लकड़ियों से बेहद ही खूबसूरत शिल्प बनाए जाते हैं। वहीं कांकेर जिले की प्रशासनिक मुख्यालय कांकेर शहर में स्थित है। कांकेर जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन ये जिला 5285 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ की वर्तमान समय में जनसंख्या 8,20,000 के करीब है। कांकेर जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,006 महिलाएं हैं और यहाँ की प्रत्येक आबादी 120 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। कांकेर जिले की 10% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 90% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। कांकेर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती किसानी और उद्योगों एवं खनिजों पर आधारित है। वहीं कांकेर शहर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है
और संभाग मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। कांकेर जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG-19 है। वहीं कांकेर जिले से 10 प्रमुख छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जिनमें दूध नदी, महानदी, तांदुला नदी, कोटरी नदी, हटकुल नदी, सिंदूर नदी, मठोली नदी, जोगी नदी, पिंजारिन नदी और तरु नदी। इसके अलावा कांकेर जिला शिक्षा के दृष्टि से आज के समय में काफ़ी विकसित हुआ है, जहाँ की कुल साक्षरता दर 71% से भी अधिक है। और यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो भानु प्रताप देव गवर्नमेंट PG कॉलेज कांकेर, गवर्नमेंट शहीद गैन सिंह कॉलेज चरामा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर, गवर्नमेंट महर्षि वाल्मीकि कॉलेज भानु प्रतापपुर, गवर्नमेंट इंद्रू केवट गर्ल्स कॉलेज कांकेर, स्वर्गीय ठाकुर भव सिंह कला विज्ञान कॉलेज नरहरपुर, गवर्नमेंट वीर गैन सिंह कॉलेज पंखाजूर, अधेश्वर नर्सिंग इंस्टीट्यूट कांकेर एवं गवर्नमेंट लाल कालीन सिंह कॉलेज अंतागढ़ जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान कांकेर जिले में स्थित हैं। कांकेर जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं गोंडी, हल्बी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, बंगाली एवं अन्य हैं। वहीं कांकेर जिला रेल मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से आप ट्रेन या बस प्राइवेट गाड़ियों के जरिए आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में भी गिना जाता है, जहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें कांकेर पैलेस, चर्रेमर्रे वाटरफॉल्स, मनाज कुंदम जलप्रपात, गड़िया पर्वत, शिवानी मंदिर, दीवान तालाब, रानी माँ मंदिर, मुत्ते खड़का जलप्रपात, कांकेर मस्जिद, दुधवा जलप्रपात, पिंजारिन वाटरफॉल, गदा डमरू जोगी गुफा और गड़मड़िया देव मंदिर, प्राचीन रॉक, दुधवा डैम, ईशान वन नथिया नवागांव, खम डोंगरी जलाशय, खेरकेट्टा डैम, सोनादाई मंदिर एवं कांकेर जिला, जो अपने आप में ही एक खूबसूरत स्थान है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।